आज की वीडियो में हम आपके पेशेंट का रिजल्ट शो करने वाले हैं एंड ये भी बताएंगे कि इंडिया में अभी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग कितनी चल रही है एंड आप एक अफोर्डेबल प्राइस में कैसे अच्छा एक ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। Hey guys, welcome back to the channel. कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम आपको पेशेंट का रिजल्ट शो करने वाले हैं जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में करवाया था एंड ये भी बताएंगे कि इंडिया में अभी हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग कितनी चल रही है, मतलब करंट टाइम में जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर का प्राइस है वो क्या चल रहा है एंड आप एक अफोर्डेबल प्राइस में कैसे अच्छा एक ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhub.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें पेशेंट की बिफोर द सर्जरी की कंडीशन के बारे में, इनका ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ था, ट्रांसप्लांटेशन से पहले क्या कंडीशन थी, तो आप फोटोज में देख सकते हैं इनको बेसिकली फ्रंटल हेयर लॉस काफी ज्यादा हो चुका था, फ्रंटल हेयर लाइन बिल्कुल मेंट्स के हद तक रिसीड हो चुकी थी। पेशेंट यंग थे काफी और यंग एज में फ्रंटल हेयर लाइन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? आप लोग समझ सकते हैं जो भी यंगस्टर्स हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है हमारे फेशियल स्ट्रक्चर पे वो हमारी हेयर लाइन होती है, तो इनकी हेयर लाइन काफी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी, आप देख सकते हैं। पेशेंट बेसिकली राजस्थान से थे और ये राजस्थान में अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते थे, उनकी सबसे प्रायोरिटी ये थी कि इनको एक नेचुरल रिजल्ट चाहिए था, राइट? मतलब नेचुरल रिजल्ट मतलब नेचुरल हेयर लाइन, सिंपल सी बात है। एक्चुअली पेशेंट्स काफी ज्यादा क्लिनिक्स ऑलरेडी विजिट कर चुके थे लेकिन ये रिजल्ट्स के लिए ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। जहां इनको रिजल्ट पसंद आए राजस्थान की मैं बात करूं, एक दो क्लिनिक्स में इनको रिजल्ट पसंद भी आया लेकिन वहां की कॉस्टिंग इतना ज्यादा थी, मतलब इन्होंने हमें बताया कि इतना ज्यादा बजट था उन क्लिनिक्स का कि ये अफोर्ड करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सो फाइनली इन्होंने जयपुर के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से अपने ट्रांसप्लांटेशन करवाया, फोटोज में देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ। स्पेशली जो इनकी रिक्वायरमेंट थी हेयर लाइन, आप फोटोज में देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से पेशेंट की हेयरलाइन बनाई गई, फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से हेयरलाइन का डिजाइन हुआ। और टेक्निक के बारे में बात करूं तो इंटरलॉकिंग एफयू टेक्निक से इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी क्लियर कर चुका है कि इंटरलॉकिंग टेक्निक मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। सो उसी टेक्निक से इन पेशेंट का भी ट्रांसप्लांटेशन हुआ, एक दिन में पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हो गया था, बहुत बड़ी सर्जरी नहीं थी, 7 से 8 घंटे में पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ। अब देखिए अगर हम बात करें कॉस्टिंग की तो मैं आपको बता दूं इनका इतना ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ट्रांसप्लांटेशन हुआ कि जो क्लिनिक इन्होंने पहले विजिट किए थे जहां का रिजल्ट इन्हें पसंद भी आया था और जो वहां पे इनको कॉस्टिंग बताई जा रही थी उससे आधे से भी कम प्राइस में इनका इस क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन हुआ। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉस्टिंग कम थी तो रिजल्ट में भी कॉम्प्रोमाइज होगा। आप आगे जाके वीडियो में देखोगे पेशेंट का रिजल्ट जो आया है, आई कैन अश्योर यू आपने बहुत कम ऐसे रिजल्ट देखे होंगे। पर्टिकुलरली इनकी कॉस्टिंग के बारे में अगर हम देखिए बात करें तो इनका कॉस्टिंग सिर्फ 18 रुपीज पर ग्राफ्ट आई थी, राइट? इनका 18 रुपीज पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन हुआ था और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग मैं स्पेशली इंडिया के बारे में बात करूं तो बहुत ज्यादा वेरी करती है, राइट? क्लिनिक टू क्लिनिक, सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, बहुत ज्यादा वेरिएशन है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग में अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं। जैसे कि किसी सिटी में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, किसी सिटी में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा कम है, कहीं क्लिनिक्स बहुत ज्यादा है, कहीं क्लिनिक्स लिमिटेड है। और इनफैक्ट ऐसा भी है कि एक ही सिटी में कुछ क्लिनिक्स तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और उसी सेम सिटी में कुछ क्लिनिक्स बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है कॉस्टिंग का अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं। और इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि कॉस्टिंग बेसिकली डिपेंड करती है क्लिनिक पे कि वो कितना चार्ज करना चाहे, राइट? हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है कि इसी प्राइस में इंडिया के सारे क्लिनिक ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टोटली क्लिनिक पे डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज करना चाहे। इंडिया में आज भी 10 रुपीज पर ग्राफ्ट से हेयर ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो जाता है और 200 to 300 रुपीज पर ग्राफ्ट तक जा रहा है, तो आप ये वेरिएशन जो रेंज है तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रेंज है, मतलब 10 रुपए पर ग्राफ्ट से हेयर ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है और 200-300 रुपए पर ग्राफ्ट तक जाता है। और जो ये कॉस्टिंग का इतना बड़ा गैप है वो इसी वजह से है कि इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो मार्केट साइज है वो बहुत बढ़ चुका है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक टाइम था जब हेयर ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट ही 40-50 रुपए पर ग्राफ्ट से हुआ करता था, राइट? बहुत लिमिटेड क्लिनिक्स थे और कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी। अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल के बारे में बात करें 40-50 रुपीज पर ग्राफ्ट अफोर्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही एक तरीके से, और अगर अफोर्ड कर भी सकता है तो वो इस चीज में इन्वेस्ट नहीं करेगा। लिमिटेड क्लिनिक्स थे पहले, बहुत लिमिटेड लोग ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाते थे, तो माइंडसेट ही ऐसा बन चुका था कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री वालों के लिए ही होता है, मतलब एक्टर्स, को एक्टर्स, जो सेलेब्स हैं वही सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाते थे उस समय की अगर मैं बात करूं। बट जैसे जैसे ट्रेंड आता गया, क्लिनिक्स बढ़ते चले गए, डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा इस फील्ड में इंटरेस्ट दिखाने लगे, तो प्राइसेस भी अफोर्डेबल होने लगी हेयर
ट्रांसप्लांटेशन की, राइट? जो कॉस्टिंग है वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल होने लगी, और आज की डेट में हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग मैं बता रहा हूँ 10 रुपीज पर ग्राफ से स्टार्ट हो गए, 200-300 रुपीज पर ग्राफ जा रही है। मतलब ये जो गैप है ये इतना बड़ा गैप है कि मैक्सिमम लोग आज की डेट में हेयर ट्रांसप्लांटेशन अफोर्ड कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। हमने अपने चैनल पे ऐसी केस स्टडीज भी शो करी है, ऐसे पेशेंट के रिजल्ट भी शो करे हैं जिनका ट्रांसप्लांटेशन 10 रुपीज पर ग्राफ में हुआ है, 20 रुपीज पर ग्राफ के भी हमने रिजल्ट आपको शो करे हैं अपने चैनल पे, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होगी 30 रुपीज पर ग्राफ भी शो किया, 40-50-100 रुपीज पर ग्राफ के रिजल्ट भी हमने चैनल में शो किए हैं। तो ये हमारे केस स्टडीज बनाने का मोटिव ये रहता है कि आप लोगों को पता लगे कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपकी कॉस्टिंग पे डिपेंड नहीं करती, आपको अफोर्डेबल प्राइस में भी अच्छा ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट मिल सकता है और आपको एक एक्सपेंसिव प्राइस में भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। और अगर बात करें इन पेशेंट के बारे में कि इन पेशेंट का 18 रुपीज पर ग्राफ में कैसा रिजल्ट आया, तो आप अपनी स्क्रीन पर रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत वंडरफुल पेशेंट का रिजल्ट आया है। सिर्फ 6 महीने हुए पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांटेशन को, और मैं अभी बता दूं अभी भी इनका 20-30% रिजल्ट आना बाकी है। मतलब आप जो स्क्रीन में रिजल्ट देख रहे हैं, आई कैन अश्योर यू बहुत कम आपने ऐसे रिजल्ट देखे होंगे जो कि इतना ज्यादा नेचुरल है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। मैं हेयर लाइन के बारे में अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो मैंने इनिशियली भी बताया था वीडियो में कि हेयर लाइन का डिजाइन इनके फेशियल स्ट्रक्चर को देख के बनाया गया था, जिस वजह से आप देख सकते हैं बहुत नेचुरल इनकी हेयर लाइन लग रही है। फ्रंटल हेयर की डेंसिटी एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी से बिल्कुल मैच कर रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो अपने ट्रांसप्लांटेशन का, एक नेचुरल रिजल्ट चाहते हो, तो हमेशा ध्यान रखो ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी आपके एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी से मैच करनी चाहिए, ताकि रिजल्ट इवन लगे और कोई देख के बोल ना पाए कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। और अगर हम बात करें मेडिसिन की, तो पेशेंट ने ट्रांसप्लांटेशन के बाद सिर्फ मिनोक्सिडिल एंड बायोटिन टैबलेट्स ली थी, इसके अलावा कोई ज्यादा मेडिसिन या फिर कोई ज्यादा डाइट फॉलो नहीं करी, ये बेसिक मेडिकेशन ही फॉलो करी थी। और काफी लोगों को लगता है कि हमें बहुत ज्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती है ट्रांसप्लांटेशन के बाद, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, कुछ टाइम तक होता है, 1 वीक तक जब आपको कुछ मेडिकेशन लेनी फॉलो करनी पड़ती है, जिस वजह से वो हर सर्जरी के बाद आपको लेनी पड़ती है, राइट, आपको बॉडी को हील करने के लिए। उसके बाद आपको ज्यादा कुछ मेडिकेशन फॉलो नहीं करनी पड़ती, कुछ बेसिक मेडिकेशन होती है। एंड आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में पेशेंट का बहुत वंडरफुल रिजल्ट आया है, पेशेंट इज रियली हैप्पी विद द रिजल्ट। जयपुर में इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था 18 रुपीज पर ग्राफ में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही सिटी में अच्छा ट्रांसप्लांटेशन होता है। हमने अपने चैनल पर दिल्ली के रिजल्ट शो करे हैं, हमने अपने चैनल में पुणे के रिजल्ट शो करे हैं, हरिद्वार के रिजल्ट शो करे हैं, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, बहुत क्लिनिक्स के हमने रिजल्ट अपने चैनल पर शो करे हैं। और यही बताया है हमेशा कि जरूरी नहीं है कि आप किसी क्लिनिक को किसी कॉस्टिंग से जज करो, क्लिनिक में अगर प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड सर्जन है, प्रॉपर टीम है, एंड जो उनके पास रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं, आप डेफिनेटली वहां पर अपने ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो, जैसे कि ये लोग करवाते हैं। जो मैं केस स्टडीज में अपने पेशेंट का रिजल्ट शो करता रहता हूँ, वो रिजल्ट एग्जाम्पल है आपके लिए कि आप भी एक अच्छा ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो अफोर्डेबल प्राइस में। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस लाएं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।